श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। आज हम 18वां श्लोक श्री स्तुति में देखने वाले हैं। ऊरीकर्तुं कुशलमखिलं जेतुमादीनरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्यामविद्यां अम्बस्तम्भावधिकजननग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्बन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयान्ते। ऊरीकर्तुं कुशलम् अखिलं जेतुम् आदीन् अरातीन् दूरीकर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुम् आद्याम् अविद्याम् अम्ब स्तम्भावधिकजननग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्बन्ते विमलमनसः विष्णुकान्ते दयां ते। स्तोत्र साहित्यों में वेदांत देशिक जी का जो स्तोत्र है वो बिल्कुल अनोखा है। हम स्तोत्र साहित्य यानी पहले पहल स्तोत्र रत्न की ही काफ़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए स्तोत्र रत्न इतना सरल और जो सहज भाव है उसके साथ भरा हुआ है। प्रार्थनीय अंश में भी स्पष्टता इत्यादि के साथ वो स्तोत्र रत्न तो एकदम ऊंचा स्थान पा ही गया है, जिसकी व्याख्या भी विस्तृत रूप से वेदांत देशिक जी से की गई है, जिसका भी व्याख्यान हम इसी आचार्य पादुका ग्रुप में तमिल भाषा में करते आ रहे हैं। संस्कृत का जो वेदांत देशिक जी का व्याख्यान है उसका तात्पर्य भी मैं वर्णन करते हुए तमिल भाषा में वो वीडियो ऑडियो उपलब्ध है। स्वामी वेदांत देशिक जी की स्तोत्र की गरिमा तो अलग प्रकार की है। ये भक्तों के लिए केवल बोलने से ही इतना संतोषप्रद है, और अर्थावगमन करेंगे तो विद्वान लोगों को भी अत्यंत संतोषप्रद है, क्योंकि वांछित फल प्रदान करने की वजह से वैसे भी भक्तों के हृदय में वेदांत देशिक जी का स्तोत्र साहित्य स्थान पा ही लिया है। और अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो विद्वत वृंद को भी एकदम भोग्य लगता है। एक अनोखा साहित्य का आनंद इस स्तोत्र साहित्य में मिलता है। भक्तों का हृदय केवल पिघलता नहीं है, विदुषों का भी, विद्वानों का भी हृदय पिघलता है। ऐसा श्लोक वेदांत देशिक जी का है। ऐसा बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे पुराणों में श्रेष्ठ, यद्यपि विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण सरल है, परंतु भागवत थोड़ा कठिन है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा भागवत में कई ऐसे स्थान है जिसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। जैसे पहला ही श्लोक इतना जन्माद्य से तोन्वयादितरतश्चार्ते स्वभिज्ञ स्वराट, इसका व्याख्यान करना तो विद्वानों के लिए भी बहुत कठिन काम है। उसी प्रकार स्तोत्र साहित्य में देखा जाए तो वेदांत देशिक जी का स्तोत्र व्याख्यान करना सुलभ नहीं है, जिसमें अत्यंत वेदांत का भाव भरा हुआ है। वेदांत यानी उपनिषदों में कथित रहस्यमय चीज़ों का उद्घाटन इन श्लोकों के जरिए किया जा रहा है, इसलिए व्याख्यान सापेक्ष है, व्याख्यान की अपेक्षा रखती है। इसका अर्थ बोध करने के लिए व्याख्यान की ज़रूरत है, इसलिए हम भी इसका व्याख्यान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस श्लोक में हे विष्णुकांते ते दयाम विमल मनसः आलम्बन्ते, ऐसा जो अंतिम चरण है उसमें हे विष्णुकांते, विष्णु की पत्नी, कांता शब्द है, पत्नी वाचक है। कम कांतौ ऐसा यानि द बिलाउड वन, ऐसा यानि बहुत विष्णु की प्रेयसी, ये अर्थ सही है। विष्णु प्रेयसी, विष्णु पत्नी, ये अर्थ में विष्णुकांते ते दयाम, विष्णुकांते दयांते, ऐसा ते का अलिटरेशन है। ते शब्द को दोहराना, इसमें एक सौंदर्य लाए हैं। ते दयाम, तुम्हारी दया को, विमल मनसहा, परिशुद्ध मन वाले, आलम्बनते, पकड़ लेते हैं। ते आपकी दया को ही एक पकड़ के रूप से रखते हैं, अर्थात दया को पकड़ कर ही ये लोग आगे चल पाते हैं। किसके लिए ये लोग दया को पकड़ते हैं, उसका कारण कहते हैं शिष्ट श्लोक में, अर्थात बाकी तीन। कुशलम अखिलम ऊरीकर्तुम, अखिलम कुशलम ऊरीकर्तुम, यानी सब मंगलमय तत्वों को स्वीकार करने के लिए, दुनिया में जो भी मंगलमय तत्व है वो सब हमें पाना है, ऐसी इच्छा रखने वाले। कुशलम अखिलम ऊरीकर्तुम। और हम लोगों को बहुत सारे शत्रु हैं, उसमें आदि नरातीन जे तुम, तत्त जन्म में कुछ लोग हमारे लिए विरोधी बन जाएंगे, वो सच में विरोधी नहीं हैं, वो भगवान से परिकल्पित एकमात्र उपकरण हैं। हमारे लिए ज़्यादातर विरोधी हम ही स्वयं हैं, अपना गुण है, अपना कर्म है, इसे इधर विवक्षा करते हैं। आदीन अरातीन, पहले पहल जो कर्म है हमारा, आद्य कर्म है जिसकी वजह से जन्म मिला है, और तब से लेकर कर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने की बात ही नहीं है। इस प्रकार हमारे स्वभावज जो दोष हैं, उन दोषों की वजह से, जो दोषों का असर क्रियाओं में पड़ता है, क्रियाओं की वजह से पाप बनता है, पापों की वजह से बार बार तकलीफ़ों को भोगना पड़ता है, तो भी हम लोग सुधरते नहीं। इस प्रकार हमारे जो बहुत पुराने शत्रु हैं, उनको जे तुम, उन सबके ऊपर जय पाने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। सब मंगलमय तत्वों को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, और हमारे प्राचीन शत्रुओं को मिटाना है, और अधुनातन जो पाप है, इस जन्म में किया हुआ दुरित निवहम दूरी कर तुम। दुरित निवहम शब्द से एक दो पाप नहीं है, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती, ऐसा वेदांत देशिक दया शतक में भी कहते हैं। अपराधों का चक्रवर्ती हूँ, ऐसा खुद के बारे में कहते हैं। अर्थात हमारे दृष्टिकोण से हम प्रार्थना करने के लिए लायक बने, इसलिए ऐसा लिखे हैं। दुरित निवहम, दुरित यानी पाप है, निवह यानी समूह है। दुरित निवहम दूरी कर तुम, उन सबको दूर करने के लिए आद्याम अविद्याम त्यक्तुम, जो पहले पहल हमारे जो आत्मा में, हमारे आत्मा के साथ लगी हुई आद्या अविद्या है। अविद्या यानी अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, ऐसा हमारा कर्म को ही अविद्या शब्द से कहते हैं, अथवा हमारा जो अज्ञान है, प्रारंभिक मौलिक अज्ञान है। आद्याम अविद्याम त्यक्तुम, उसको छोड़ा, उससे हमें छुटकारा पाने के लिए ये सब, अर्थात कुशलम अखिलम ऊरीकर्तुम, अच्छाइयाँ सब हमारे में समाहित होने के लिए, समाहित करने के लिए, हमारे प्राचीन शत्रु रूपी जो कर्मों को दूर करने के लिए, इस जन्म में किया हुआ पापों को मिटाने के लिए, और जो हमारी आद्या अविद्या है उससे हम अर्थात दूर मुक्त हो जाएं उसके लिए। हे अम्बे, हे लक्ष्मी जी, अर्थात हे माता जी। स्तंभावधिक जलनग्राम सीमांत रेखाम ते दयाम, दया शब्द के लिए इतना सुंदर विशेषण है। यानी मतलब क्या है, हमारे अलग अलग प्रकार के जन्म है, एक एक जन्म में एक एक योनि मिलती है, उसमें स्तंभावधि के, स्तंभ यानी एक खंभा बनना या अथवा एक तृण बनना, वहाँ तक का जो कीड़े मकोटे बनना, मकोटे बनना या जानवर बनना, पक्षियाँ बनना, इस प्रकार अंततः गत्वा तृण बनने तक का जो भी जननग्राम है, जनन समूह है, जंतुओं का समूह है, इसके सीमांत रेखा, इसे पार करने की जो अंतिम रेखा है, इसके बाद इसको इस प्रकार का जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा जो रेखा कहाँ है, वो जैसे दया प्राप्त होगी लक्ष्मी जी की, तब वही रेखा है। अर्थात रेखा को पार करना है तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना, लक्ष्मी जी की कृपा ही उसका पार है। अर्थात जननग्राम सीमा, जननग्राम की सीमांत रेखा, जननग्राम जनन समूह, बार बार जन्म लेने का, भिन्न विभिन्न जंतुओं के रूप से जन्म लेने का जो हमारे लिए कर्म की वजह से गतियाँ मिलते हैं, स्वनि स्वयोनिम शूकरयोनिम चंडालयोनिम वा, ऐसा जो हमारे लिए अपने दुष्कर्म की वजह से, दुष्कर्म संचयवशात दुरतिक्रमेण प्रत्यस्त्र अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे, आपके निग्रह रूपी अस्त्र से छुटकारा पाने के लिए आपके ये अंजलि ही परमा मुद्रा। ऐसा लक्ष्मी जी के सामने हम हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस स्तोत्र को बताएंगे, बोलेंगे आंसू भरी आंखों से, तो वो हमें पार करवाएगी, इस ग्राम सीमांत रेखा को पार कराएगी अपनी दया से। इसलिए दया ग्राम सीमांत रेखा, रेखाम दयाम, अपने फिर जन्म लेने का जो प्रक्रिया है, उसका जो सीमा है, उसकी सीमा है, उसकी सीमा में जो रेखा है, जिस प्रकार हम लोग धावन का रनिंग रेस करते हैं, वहाँ एक रेखा होगी, वहाँ तक पहुँचना है, उसी प्रकार ये बार बार जन्म होने का जो चक्कर है, उसकी अंतिम स्थिति को पहुँचना है, इसके बाद फिर से जन्म न हो, उसका अंत कहाँ है, ऐसा ढूंढ ढूंढ के तो कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर जैसा लगेगा परंतु नज़दीक में आ जाएगा। वो कब लक्ष्मी जी की दया प्राप्त करेंगे तो वो नज़दीक में होगा, नहीं तो दिखाई देगा बहुत दूर में और दूर दूर भागता रहेगा, और विलंब होगा, और विलंब होगा, परंतु ये दया प्राप्त हो जाएगी तो वो नज़दीक हो जाएगा, उसको पार कर लेंगे हम। ये अर्थ में स्तंभावधि के ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक, ब्रह्मा जी का जन्म से लेकर एक तृण का जन्म तक का कितने भी अवान्तर भेद हैं, उन सबको हम पार करने के लिए विष्णुकांते ते दयाम आलम्बन्ते, और उस सीमांत रेखा को प्राप्त करने के लिए, सीमांत रेखा, असीमांत रेखा ही दया है, सीम की अंतिम रेखा क्या है, वो दया है। हाँ, दया को टच कर लिया तो बस फिर से जन्म नहीं है, ये परिस्थिति है। इसे सुंदर ढंग से विवरण करते हैं, ते दयाम आलम्बन्ते, कौन आलम्बन कर सकते हैं, समल मनसा नहीं, जिसके मन में, हृदय में सदा के लिए मल है, अच्छे अच्छे विचार नहीं है, भगवान है ही नहीं, ऐसा बोलते हुए नास्तिकवाद करते हैं, और समूह में जो भी व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था, उनकी निंदा टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनसे भरा हुआ ये दुनिया है, उनके लिए तो ये प्राप्य है ही नहीं ये दया। विमल मनसहा, जो निर्मल मनस्क हैं, जो प्राचीन व्यवस्था को समझते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर, उनके भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं पूर्व श्लोकोक्त प्रकार से, उनको ये दया मिल जाती है जो हमें जननग्राम फिर से जन्म ना हो ऐसे उसकी सीमांत रेखा को पार करा देती है, अर्थात सीमांत रेखा ही दया बनती है। शायद ऐसा एक उत्प्रेक्षा विशेषण के जरिए निकलने वाला उत्प्रेक्षा के साथ ये सुंदर श्लोक बनता है। श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। ऊरी कर्तुम कुशलमखिलम जेतुमादीन रातीन दूरी कर्तुम दुरित निवहम त्यक्तुम आद्याम विद्याम अम्बस्तंभावधिक जनन ग्राम सीमांतरेखाम आलंबन्ते विमल मनसो विष्णुकांते दयांते। शायद साथों साथ एक उत्प्रेक्षा के साथ रूपक भी है, अर्थात दया को स्तंभावधि के जनन ग्राम सीमांतर रेखा के रूप से एक अभेदारोप है, इसलिए रूपकालंकार भी है। इतना सुंदर अलंकारों के साथ और आलंकारिकों को भी संतोष हो, शास्त्रीय ज्ञान पाए हुए वेदांती लोगों को भी संतोष हो, भक्त लोगों का हृदय में भी आह्लाद हो, ऐसा श्लोक रचना करने में वेदांत देशिक जी बहुत माहिर थे, इसलिए उनका स्तोत्र साहित्य नितराम प्रसिद्ध है दुनिया में और प्रसिद्धि पाना भी है, और संप्रदायांतर में रहने वाले भी इन श्लोकों की महिमा को समझ लें और पारायण करें तो उनके लिए भी अत्यंत लाभदायी बनेगा। श्लोक को फिर से एक बार पढ़ूंगा, कितनी भी बार पढ़ने से मुझे जामिता नहीं होती है, आलस्य नहीं होती। ऊरी कर्तुम कुशलमखिलम जेतुमादीन रातीन दूरी कर्तुम दुरित निवहम त्यक्तुमाद्याम विद्याम अम्बस्तंभावधिक जनन ग्राम सीमांतरेखाम आलंबन्ते विमल मनसो विष्णुकांते दयांते। आगे का श्लोक कल करेंगे। मैं तो एक एक श्लोक बोलता हूँ, परंतु उस दिन भर उसी श्लोक को रटन करते रहता हूँ, क्योंकि इतना आनंद आ जाता है मन में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। 10